नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे वाक्य संश्लेषण या वाक्य संकलन। इसमें केवल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में जानकारी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम वाक्य संश्लेषण किसे कहते हैं। एक दूसरे पर आधारित दो या दो से अधिक सरल वाक्य एक बनाकर उसका वाक्य बनाना, इसे वाक्य संश्लेषण कहा जाता है। आसान भाषा में अनेक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना वाक्य संश्लेषण है। जैसे एक उदाहरण देखिए, राधा मेरी बहन है, वह मेरे पास आई, उसने मुझे कहानी सुनाई। यहाँ पर तीन सरल वाक्य दी गई है। अब इसका एक वाक्य हमें बनाना है। मेरी राधा बहन मेरे पास आकर मुझे कहानी सुनाई। इन तीन सरल वाक्यों का एक वाक्य हमने यहाँ पर बनाया है। इसे ही वाक्य संश्लेषण कहा जाता है। वाक्य संश्लेषण में हम क्या कर सकते हैं? तो दो या अनेक सरल वाक्य का एक सरल वाक्य बना सकते हैं, दो या अनेक सरल वाक्य का एक मिश्र वाक्य बना सकते हैं, दो या अनेक सरल वाक्य का एक संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में आए, सब छात्र खड़े हो गए। यहाँ पर दो सरल वाक्य दी गई है। इसका एक सरल वाक्य हम बना सकते हैं, एक मिश्र वाक्य बना सकते हैं, एक संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। वह कैसे? सरल वाक्य देखो, अध्यापक के कक्षा में आते ही सब छात्र खड़े हो गए। मिश्र वाक्य, जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए सब छात्र खड़े हो गए। संयुक्त वाक्य, अध्यापक कक्षा में आए और सब छात्र खड़े हो गए। वाक्य संश्लेषण करने के कुछ नियम हैं। पहला नियम देखो, अलग अलग वाक्यों की क्रियाओं को अलग करके एक मुख्य क्रिया बनाना। दूसरा नियम, अन्य वाक्यों की क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया, विशेषण या पदबंध में बदल लेना चाहिए। समास, संधि या उपसर्ग प्रत्यय लगाकर अनेक के स्थान पर एक शब्द बनाकर उन्हें मुख्य क्रिया से जोड़कर संक्षिप्त वाक्य बनाना। चौथा नियम, आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यय और उपसर्गों के योग से नए शब्द का निर्माण कर लेना चाहिए। इन नियमों के मदद से हम केवल वाक्य का मिश्र या संयुक्त वाक्य में रूपांतर कर सकते हैं, मिश्र वाक्य का केवल या संयुक्त वाक्य में रूपांतर कर सकते हैं और संयुक्त वाक्य का केवल या मिश्र वाक्य में रूपांतर कर सकते हैं। अब हम उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं यह देखेंगे। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिनके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को ही कर्ता भी कहा जाता है। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य यानी कर्ता जो कुछ करता है या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गोपाल सज्जन है, इस वाक्य में गोपाल के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसीलिए गोपाल यह उद्देश्य है। और गोपाल इस उद्देश्य या कर्ता के बारे में वह सज्जन है यह कहा जा रहा है, इसीलिए सज्जन यह विधेय है। इससे पहले हमने वाक्य और वाक्य के भेद देखे हैं। वाक्य के भेद दो प्रकार से गिरते हैं, एक रचना के अनुसार और दूसरा अर्थ के अनुसार। रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य के तीन भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा
संयुक्त वाक्य के चार भेद है, संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य और परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। वाक्य संश्लेषण करने के लिए हमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना यह जरूरी है। इसीलिए हम इन तीनों वाक्यों के बारे में जानकारी देखेंगे। पहला वाक्य है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्य में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। जैसे राकेश पत्र लिखता है, राजीव पुनः गया, हर्षल ने चित्र देखा, पंछी आसमान में उड़ रहे थे, दुल्हन श्रृंगार करती है। इन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया है, इसीलिए यह वाक्य सरल वाक्य या साधारण वाक्य है। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य को ही मिश्रित वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है। अपने आप में दोनों वाक्य अधूरे लगते हैं। आश्रित उपवाक्य से पहले जो, जिसने, जब, जितना, जैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात आश्रित उपवाक्य वह हुआ जिसके पहले कि, जो, जिसने, जब, जितना, जहां, वहां, यद्यपि, जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे राधा ऐसे नृत्य कर रही है जैसे ऐश्वर्या करती है। शिक्षक चाहते हैं कि छात्र अपने पैरों पर खड़े हो। जो मुझे जानते थे उन्होंने मेरी मदद की। जो उसने खाना खाया वह सो गया। मैंने वह सभी काम कर लिए जो आपने कहे थे। इन वाक्यों में एक सरल वाक्य है और इनके अतिरिक्त एक आश्रित वाक्य है। आश्रित वाक्य सरल वाक्य के अधीन है, मतलब आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य के बिना अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए यह वाक्य मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य है। अब हम आश्रित वाक्य के भेद देखेंगे। आश्रित वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आते हैं उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी न आऊं। इस वाक्य में मैं यहाँ कभी न आऊं यह संज्ञा उपवाक्य है। आश्रित वाक्य का दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो पुस्तक अलमारी में रखी थी वह मुझे मित्र से मिली है। इस वाक्य में जो पुस्तक अलमारी में रखी थी यह विशेषण उपवाक्य है। आश्रित वाक्य का तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब वह मेरे घर आया तब मैं पाठशाला में था। इस वाक्य में जब वह मेरे घर आया यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है।
संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य किसी योजक द्वारा जोड़ने से बनते हैं और एवं, परंतु, लेकिन, तथा, अथवा, किंतु, मगर, बल्कि, नहीं तो, अन्यथा, परिणाम स्वरूप, ताकि, या, पर, क्योंकि, तो, इसलिए। यह योजक शब्द दो सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे शीतल लिख रही है और सानिका पढ़ रही है। घर जाओ पर जल्दी जाओ। संदेश रुपए खर्च करता है किंतु कमाता नहीं। मैं बाजार से केले लाऊंगा या अनार लाऊंगा। यहां पहले घने पेड़ थे परंतु अब घर है। इन प्रत्येक वाक्य में दो सरल वाक्य है और यह वाक्य और, पर, किंतु या परंतु इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़कर एक वाक्य बना है, इसीलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य के भेद। संयुक्त वाक्य के चार भेद है। उसमें से पहला भेद है संयोजक संयुक्त वाक्य। जब एक सरल वाक्य दूसरे सरल या मिश्र वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है उसे संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे सुरेश आया और सुशांत गया। संयुक्त वाक्य का दूसरा भेद है विभाजक संयुक्त वाक्य। जब सरल या मिश्र वाक्य का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है उसे विभाजक संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे स्नेहल पढ़ाई तो बहुत करती है पर अच्छे अंक नहीं मिलते। संयुक्त वाक्य का तीसरा भेद है विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य। जब दो बातों में से किसी एक का स्वीकार करना होता है उसे विकल्प सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे मैं दुकान से शक्कर लाऊंगा या गुड़ लाऊंगा। संयुक्त वाक्य का चौथा भेद है परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। जब एक सरल वाक्य दूसरे सरल वाक्य या मिश्र वाक्य का परिणाम होता है उसे परिणाम बोधक वाक्य कहते हैं, जैसे आज मैं घर जा रहा हूं इसलिए मैं खेलने नहीं आ सकता। अगले वीडियो में हम अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद देखेंगे। धन्यवाद।